अब दोस्तों हमारा नेटवर्क है वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन पॉइंट जीरो इस नेटवर्क के हमें चार सबनेट बनाने हैं चार सबनेटवर्क बनाने हैं तो हमें होस्ट आईडी के पास से कुछ बिट्स लेने पड़ेंगे कितने बिट्स लेंगे हम चूंकि हमें चार सब नेटवर्क बनाने हैं हम होस्ट आईडी के पास से दो बिट लेंगे ठीक है तो ये मान लीजिए ये मेरे होस्ट आईडी के आठ बिट है एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ ये जो नेट आई डी पोर्शन वाले बिट्स है इनको हम छू नहीं सकते क्योंकि वो स्टेटिक रहेंगे इनको छू नहीं सकते हमें होस्ट आई डी के बिट्स के साथ खेलना पड़ेगा तो उनके पास से मैं दो बिट्स ले लूंगा और उन दो बिट्स को मैं अलॉट कर दूंगा सबनेट बनाने के लिए ठीक है अब आप समझिए दो बिट्स हमने लिए इस दो बिट्स से चार कॉम्बिनेशन बनेंगे जीरो 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 वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो वाला कॉम्बिनेशन हम पहली सबनेट को दे देंगे वन जीरो वाला जीरो वन वाला दूसरी सबनेट को वन जीरो वाला तीसरी सबनेट को और वन वन वाला चौथी सबनेट को दे देंगे ठीक है तो ये है मेरा जीरो जीरो वाला कॉम्बिनेशन ठीक है फिर मेरी दूसरी सबनेट में भी ये आठ बीट है एक दो तीन चार पांच छ सात आठ तो उसमें हम जीरो वन वाला कॉम्बिनेशन देंगे फिर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ अब तीसरी सबनेट है तो उसमें हम वन जीरो वाला कॉम्बिनेशन दे देंगे और चौथी सबनेट है यहां पर भी ये आठ बिट है मान लीजिए एक दो तीन चार पांच छ सात आठ और यहां पर हम वन वन वाला कॉम्बिनेशन दे देते हैं तो ये बन गई मेरी चार सबनेट कि पहली सबनेट में सबनेट आईडी हमने लिया जीरो जीरो दूसरे में जीरो वन तीसरी में वन जीरो और चौथी में वन वन अब दोस्तों हर एक सबनेट के अंदर हमारे पास छह बिट है होस्ट आईडी के साथ खेलने के लिए तो उन छः बिट्स में अलग अलग कॉम्बिनेशन बनेंगे पहले ये इन बिट्स को तो हम टच ही नहीं कर सकते ये फिक्स रहेंगे सब में दैट इज वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन पॉइंट ये सारी चीज होगी ठीक है अब यहां पर होस्ट आईडी के जो बिट्स होंगे दोस्तों मेरे इट विल गो फ्रॉम जीरो 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 मतलब ये मेरा पहला आईडी होगा सारे जीरो अब दूसरा कॉम्बिनेशन क्या बनेगा इन छह बिट से जीरो 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 वन नेक्स्ट कॉम्बिनेशन विल बी जीरो 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 वन जीरो और ऐसा करते करते मेरा लास्ट कॉम्बिनेशन होगा सारे वन अब इन सभी में ये जो नेट आईडी है देट विल बी कॉमन आर यू गेटिंग माय पॉइंट इन सभी में ये जो नेट आईडी वाले जो दो बिट्स है वो सब में कॉमन रहेंगे अब इनका अगर मैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन में पूरा आईपी एड्रेस लिखू तो ये जो पहला वाला है उसका आईपी एड्रेस क्या बनेगा That would be point. ये आठो बिट मिलाकर आठ बिट्स मिलकर क्या बनाएंगे जीरो फिर ये वाला बनेगा वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन पॉइंट वन ये वाला होगा वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन पॉइंट टू और ये वाला क्या होगा ये 8 बिट मिलकर क्या बनाएंगे 192.168.1.63 यह 63 आप देख लीजिए 1 2 4 8 16 32 और यह 64 और ये जीरो है और उसके आगे सारे वन हैं मतलब ये उससे एक कम है दैट इज 63 तो ये बन गए आईपी एड्रेस मेरे पहले सब नेटवर्क के अब इसमें से भी दोस्तों जो पहला एड्रेस है जो पहला एड्रेस है ये बन जाएगा मेरी सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस और लास्ट जो है वो बनेगा मेरी सब नेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब मेरी जो ये सब नेटवर्क है उसमें जितनी भी डिवाइसेस हैं उन सबको अगर आपको पैकेट पहुंच पहुंचाना है तो आपको ये वाले एड्रेस का यूज करना पड़ेगा आपके आईपी हेडर के डेस्टिनेशन आईपी फील्ड में और बाकी के जो एड्रेसेस हैं इन एड्रेसेस को हम होस्ट को आईपी एड्रेस देने के लिए यूज कर सकते हैं ठीक है तो पहली सबनेट में मेरी पहली सबनेट में हाउ मेनी मैक्सिमम होस्ट आई कैन अकोमोडेट 62 तो ये बन गई दोस्तों मेरी पहली सबनेट अब सिमिलरली अगर दूसरी सबनेट के बारे में बात करें तो दूसरी सबनेट में ये जीरो वन दिस जीरो वन विल बी कॉमन बाकी के बिट्स जो है हमारे होस्ट आईडी के उनके साथ हम खेल सकते हैं तो ये जो बाकी के बिट्स है दिस विल बी जीरो 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 फिर नेक्स्ट कॉम्बिनेशन होगा जीरो 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 वन और ऐसा करते करते लास्ट कॉम्बिनेशन होगा जो बिट है 0, 1, और आगे के जो वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन ये तो सब में कॉमन ही है तो अगर इनका मैं अगर डॉटेड डेसिमल नोटेशन में आईपी एड्रेस लिखू तो इसका क्या होगा इट बी इटव टू पॉइंट मिलकर बनाएंगे सिमिलरली ये बिट्स मिलकर बनाएंगे और ऐसा करते करते ये जो मेरा लास्ट आईपी एड्रेस होगा वन नाइन टू पॉइंट सेवन आप देख लीजिए हुआ ठीक है तो इसमें भी जो मेरा पहला एड्रेस होगा दोस्तों दैट विल बी माई नेटवर्क एड्रेस मतलब इस सबनेट का सबनेट एड्रेस और लास्ट होगा वो इस सबनेट का ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा और बाकी के एड्रेसेस 64 से लेकर के 127 उसमें 64 नहीं और 127 नहीं मतलब 65 से लेकर के 126 इंक्लूडिंग बोथ ऑफ देम सो टोटल 62 टू यहां पर होस्ट को हम आईपी एड्रेस देने के लिए यूज कर सकते हैं तो ये बन गई दोस्तों मेरी दूसरी सबनेट अब तीसरी सबनेट कि जिसमें सबनेट आईडी में वन जीरो है और बाकी के छह बिट्स के साथ हम खेल सकते हैं सो दैट विल गो फ्रॉम ऑल जीरो पर ये वन जीरो तो फिक्स ही रहेगा और उसके आगे ये जो वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन ये तो सब में कॉमन ही है अगर इसका हम डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखे तो ये सारे मिलकर बनाएंगे 192.168.1.128 अब देख लीजिए और ये सारे मिलकर बनाएंगे 192.168.1.191 ठीक है तो ये इसका जो फर्स्ट एड्रेस है ये बनेगा मेरी सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस और लास्ट जो है वो बनेगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस और सिमिलरली ये जो मेरी चौथी सबनेट है कि जिसमें सबनेट आईडी हमने वन वन दिया है इसमें हमारे होस्ट के ये जो छः बिट्स है ऑल जीरो से, से लेकर के सारे रहेंगे ऑल वन तक और इसमें भी ये जो मेरे दो बिट्स है वन वन ये कॉमन रहेंगे एज वेल एज ये वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन ये तो कॉमन है इनका अगर डॉटेड डेसिमल नोटेशन लिखूं तो वन होगा और इसका क्या होगा आप देख लीजिए इसका इसका डेसिमल यही होगा और इसका डेसिमल क्या होगा अब दोस्तों ये ये वाला जो है ये बनेगा मेरे नेटवर्क का मेरे सब नेटवर्क का नेटवर्क एड्रेस या सब नेटवर्क एड्रेस और ये वाला बनेगा मेरे सब नेटवर्क का ब्रॉडकास्ट एड्रेस तो ये है दोस्तों पूरी कहानी ये बन गई मेरी चार सबनेट ये है ये जब पूरी है दिस इज माय फर्स्ट सबनेट ये यहां से यहां तक है सेकंड सबनेट यहां से यहां तक है थर्ड सबनेट और यह है मेरी फोर्थ सबनेट हर एक सबनेट का सबनेट एड्रेस अलग होगा ब्रॉडकास्ट एड्रेस भी अलग होगा अब दोस्तों हम अगर सबनेटिंग नहीं करते अगर हमने सबनेटिंग नहीं किया होता मान लीजिए ये जो मेरा ओरिजिनल एड्रेस था विदाउट सबनेटिंग अगर हम सबनेटिंग नहीं करते हमारा एड्रेस था 192.168.1.0 मतलब हम लास्ट एट बिट्स के साथ खेल सकते थे लास्ट एट बिट्स होस्ट आईडी के लिए थे तो हमारे नंबर ऑफ होस्ट होते टू एस टू एट माइनस टू दैट इज टू फिफ्टी फोर तो अगर हम सबनेटिंग नहीं करते तो हमारे नंबर ऑफ होस्ट होते टू फिफ्टी फोर लेकिन चूंकि हमने सबनेटिंग किया है तो विथ सबनेटिंग अब क्या हो रहा है हमने चार सबनेट बनाई फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फोर्थ अब हमने देखा दोस्तों यहां पर सबनेटिंग करते हैं तो बिट दो बिट सबनेट आईडी को चले जाते हैं बाकी के छह बिट के साथ हम खेल सकते हैं तो पहली सबनेट में नंबर ऑफ होस्ट होंगे टूरिस्ट टू सिक्स माइनस टू देट इज सिक्सटी टू सिमिलरली दूसरी में भी सिक्सटी टू होंगे तीसरी में भी सिक्सटी टू होंगे चौथी में भी सिक्सटी टू होंगे तो इन सब का अगर हम एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा टू फोर्टी एट तो अगर हम सबनेटिंग नहीं करते वी कुड गिव आई पी एड्रेस टू टू फिफ्टी फोर डिफरेंट नंबर ऑफ होस्ट लेकिन सबनेटिंग करने से नंबर ऑफ होस्ट कम होते हैं मतलब नंबर ऑफ होस्ट टू विच वी कैन गिव आईपी एड्रेस वो कम हो जाते हैं आप देख सकते हैं नहीं करते तो 254 होते और सबनेटिंग की तो 248 हो जाते क्योंकि हर एक सबनेट का सबनेट एड्रेस और ब्रॉडकास्ट एड्रेस मतलब हर एक सबनेट का जो पहला और लास्ट एड्रेस है वो हम आई एड्रेस के तौर पर किसी डिवाइस को नहीं दे सकते ठीक है और एक चीज है दोस्तों अगर मैं सबनेटिंग नहीं करता ये अगर मैं सबनेटिंग नहीं करता तो मेरे नेटवर्क की मास्क क्या होती मेरे नेटवर्क की मास्क होती टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट जीरो मास्क क्या होती है मास्क इसलिए यूज करते हैं दोस्तों हम कि अगर मुझे कोई आईपी एड्रेस दिया है उसका अगर मुझे नेटवर्क एड्रेस ढूंढना है तो मैं इस मास्क का यूज करूंगा आईपी एड्रेस और मास्क का बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई करते हैं तो हमें नेटवर्क एड्रेस मिलता है ठीक है अब दोस्तों यहां पर ये जो मास्क है अगर सबनेटिंग नहीं करते तो यह मास्क थी लेकिन चूंकि हमने सबनेटिंग कर दी है तो मेरी मास्क अलग हो जाएगी मेरी मास्क क्या होगी मेरी मास्क बन जाएगी 255 .255 .255 अब ये मास्क कैसे आई टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट वन नाइन टू कैसे आई मैं समझाता हूं दोस्तों आपको अगर मास्क ढूंढनी है तो आपको सिंपल क्या करना है पूरे 32 बिट्स है इन 32 बिट्स में जितने भी बिट्स होस्ट आईडी के लिए अलॉटेड में सारे जीरो डाल दो और बाकी के जितने भी बिट्स बचते हैं उन सभी में वन लिख दो आप फिर उसका डॉटेड डेसिमल नोटेशन निकालोगे दैट विल बी योर मास्क ठीक है तो यहां पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया यहां पर मैं ये 32 बिट्स लिख रहा हूं चलिए ये है मेरे 32 बिट्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट और वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है अब यहां पर चूंकि हमने सबनेटिंग की है सबनेटिंग की है तो पहले तो जो ट्वेंटी फोर बिट्स है वो नेटवर्क आईडी के हैं फिर आठवें से दो बिट हमने सबनेट आईडी को दे दिए तो बचे मेरे होस्ट के पास कितने लास्ट छः बिट ठीक है तो अभी मास्क ढूंढने के लिए मैं क्या करूँगा लास्ट छ बिट्स जो मेरे होस्ट आईडी के थे मैंने आपको बताया उनमें आपको जीरो लिखना है तो ये एक दो तीन चार पांच और छह ये जो लास्ट छह बिट होस्ट आईडी के लिए थे उसमें मैंने जीरो डाल दिया और बाकी के सभी में मैं डालूंगा वन अब इसका अगर आप डेसिमल निकालोगे वो वन टू फिफ्टी फाइव इसका डेसिमल निकालोगे टू फिफ्टी फाइव इसका डेसिमल निकालोगे टू फिफ्टी फाइव और इसका अगर डेसिमल निकालोगे डेसीमलोगे टू तो चूंकि हमने सबनेटिंग की हमारी मास्क चेंज हो जाएगी ये मास्क अब हमें बताएगी अगर मैं आईपी एड्रेस देता हूं और उस आईपी एड्रेस का मैं इस मास्क के साथ मास्किंग करता हूं तो मुझे वो आईपी एड्रेस कौन सी सब नेटवर्क में है उसका सब नेटवर्क एड्रेस या तो उसका नेटवर्क एड्रेस हमें मिलेगा फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मेरी यहां पर ये जो नेटवर्क है दोस्तों ये वाला जो थर्ड सबनेट है मान लीजिए ये मेरी थर्ड सबनेट ठीक है इसका कोई मैं एक आईपी एड्रेस लेता हूं मान लीजिए उसका मैं आईपी एड्रेस लेता हूँ इसके आईपी पी एड्रेस इस कहां से कहां तक होंगे 129 से लेकर के 190 तक के होस्ट को हम आईपी एड्रेस दे सकते हैं तो मान लीजिए मेरा एक आईपी एड्रेस है 132 192.168.1.132 ये मेरा आईपी एड्रेस है इसका मुझे सबनेट एड्रेस ढूंढना है इसका सबनेट एड्रेस क्या आना चाहिए मेरे आंसर में वन आना चाहिए तो देखते हैं कि भाई इसका आई एड्रेस का मास्किंग हम हमारी मास्क के साथ करते हैं तो हमें वन मिलता है कि नहीं तो मेरी मास्क है टू फाइव फाइव मेरी मास्क है टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट टू फाइव फाइव डॉट वन नाइन टू और मेरा आईपी एड्रेस है वन नाइन टू पॉइंट वन सिक्स एट पॉइंट वन पॉइंट वन थर्टी टू मुझे यह ढूंढना है वन नाइन टू वन सिक्स एट वन पॉइंट थर्टी टू ये आईपी एड्रेस का सबनेट एड्रेस क्या है तो मैं सबनेट मास्क के साथ मास्किंग करूंगा अब मास्किंग में होता क्या है दोस्तों बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई होता है हमने देखा है तो 255 का 192 के साथ मास्किंग करेंगे हमें आंसर वही मिलेगा दैट इज 192 255 का 168 के साथ मास्किंग करेंगे हमें आंसर 168 ही मिलेगा 255 का 1 के साथ मास्किंग करूंगा मुझे आंसर 1 ही मिलेगा अब इनका मास्किंग करने के लिए हमें इनका बाइनरी लिखना पड़ेगा वन नाइन टू का बाइनरी होता है वन वन जीरो 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 और वन थर्टी टू का बाइनरी क्या होगा वन टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू सिक्सटी फोर और वन ट्वेंटी एट तो मैं वन ट्वेंटी एट पे वन रखता हूं और फोर पे वन रखता हूँ वन ट्वेंटी एट प्लस फोर इज वन थर्टी टू ठीक है तो वन टू फोर और बाकी की पोजिशन पर मैं जीरो लिखूंगा अब इनका मैं बाइनरी एंड ऑपरेशन अप्लाई करूं तो जीरो 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 वन जीरो 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 वन जीरो जीरो और वन वन विल बी वन अब ये क्या है दोस्तों दिस इज नथिंग बट तो आप देख लीजिए ये वन थर्टी टू मेरी ये थर्ड वाली सबनेट का आई पी एड्रेस था मैंने उसका मास्किंग सबनेट मास्क के साथ किया तो मुझे सबनेट एड्रेस मिल गया तो दोस्तों आपको अगर किसी क्वेश्चन में ये चीज दी गई है ये है आई पी एड्रेस यह है उसकी मास्क तो उसका करस्पोंडिंग सबनेट एड्रेस निकालो आपको ये आंसर आना चाहिए